हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जानेंगे कि रूल ऑफ 72 क्या है, ये कैसे काम करता है। ये कुछ नहीं है, एक ये छोटा सा मैथमेटिकल ट्रिक है। इससे ये पता किया जाता है कि आपने बैंक में FD कराई है तो आपको ये पता लगेगा कि आपने का जो पैसा है कितने साल में डबल हो जाएगा। ये इस छोटे से ट्रिक से अपन पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपन कैसे पता करते हैं। ये है रूल ऑफ 72। इसका अर्थ होता है अपन कितने साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। इसका कुछ नहीं करना है, जैसे जो भी आपकी ब्याज दर होती है, जो भी आप FD करवाते हो बैंक में, जो ब्याज दर होती है उस ब्याज दर को आप 72 से भाग देने पर जो कुल आएगा उतने ही साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने बैंक में FD करवाई है 1,00,000 रुपए की और 6% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये जो इंटरेस्ट रेट है 6%, इसको 72 में भाग दे दे तो उसके देने पर ये आएगा 12 साल। तो इतने तो 12 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। जैसे कि आपने 1,00,000 डिपॉजिट कराया है तो ये 1,00,000 आपका 12 साल में 2,00,000 हो जाएगा। अगर आपने कहीं कॉरपोरेट FD करवाई है और उसकी इंटरेस्ट रेट है 9%, तो उसको सिंपल सा आप पता करें कि आप कितने साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। कुछ नहीं है, 9 का भाग आप 72 में दे दें तो इसका जो रिजल्ट आएगा 8 साल। तो अब ये 8 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, यानी 1,00,000 रुपए आपके 8 साल में 2,00,000 रुपए हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी मेथड है, आपको आप ये पता कर सकते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है बैंक में किया है तो वो कितने समय में आपका डबल हो सकता है। आप ये रूल ऑफ 72 लागू कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल हो सकता है।